तो ये बच्चों हमने फाइनाइट चार्ज रॉड का एट एनी पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था। तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता दिए थे, है ना। उसी के आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, तो वो थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि उनपे क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अब लिखेंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। अच्छा, स्पेशल केसेस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो हमने सीखा था कि भाई अगर हमारे पास ऐसी फाइनाइट चार्ज रॉड है ना बच्चा, और इसका जो है लैम्डा कूलम पर मीटर जो है इसकी क्या है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और किसी पॉइंट पी पर अगर हमें निकालना होता तो हमें पता है कि उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हमें पता होती है, अपर एंड जो जोड़ रहा है तो हमें एंगल थीटा वन पता होता है, लोअर एंड जोड़ने वाला एंगल जो है थीटा टू पता होता है। तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिलता है और एक आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट मिलता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता था बच्चों वो याद होगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू होता था, है ना। और ई पैरेलल का भी आपको फॉर्मूला याद होगा, के लैम्डा बाई आर यहाँ पे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन होता था, है ना। तो आई होप ये तो आपको पता ही है। अब स्पेशल केसेस में करते हैं, तो देखो इसमें कुछ केसेस हैं उनकी बात अगर हम करें तो जो सबसे पहला केस है स्पेशल केस में, केस नंबर फर्स्ट, उसमें हम लिखेंगे अगर ये पी पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो दो इक्वल पार्ट्स में रॉड टूट जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ लाई करे, पॉइंट पी लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो बेटा ये केस, तो इसमें क्या होगा, क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। तो ये हमारी रॉड हो गई, पी पॉइंट यहाँ पर है कहीं पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा। मतलब अगर इसका लैम्डा कूलम पर मीटर है और इसकी टोटल लेंथ बच्चों रॉड की मान लो एल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये दोनों जो रॉड हैं वो एल बाई टू, और यहाँ से भी ये एल बाई टू में टूट गई, है ना बेटा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप सोचो कि ये दोनों लेंथ बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर भी उतना ही है, तो सोचो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, मतलब थीटा वन थीटा टू जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे थीटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो यही मतलब हुआ, है ना, दोनों एंगल जो है थीटा वन थीटा टू दोनों बराबर हो जाए। अगर बराबर हो जाएंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन थीटा के बराबर है, साइन थीटा टू भी थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। और वहीं अगर आप ई पैरेलल की बात करें तो बेटा ई पैरेलल जो है वो जीरो हो जाएगा। देखो ई पैरेलल क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू था तो वो कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा वन तो वो भी थीटा है, दोनों का जो वो है वो कैंसिल आउट होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर में कोई भी एलिमेंट होगा उसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी उतनी ही दूरी पे अगर नीचे एलिमेंट लोगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो ऐड होंगे, इसलिए केवल परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू टू के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, तो याद रखना। अच्छा, एक बार एग्जाम में इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग तरीके से दिया था तो बच्चे उसको पहचान नहीं पाए थे, हालांकि पूछा आपसे यही गया था। तो कभी कभी उस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, मतलब एल के टर्म्स में दिया जा सकता है, तो एल के टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए। तो चलो मैं आपको एल के टर्म्स में लिखना बता देता हूँ।
देखो ये एंगल थीटा है, ये एल बाई टू है और ये आर है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एल बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एल के टर्म्स में लिखा जा सकता है 2 के लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा लिख सकते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एल बाई टू हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करो तो देखो ये 4 एलसीएम में आ जाएगा, तो 2 के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे एल बाई टू तो ऊपर है ही, डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, और इसकी पावर रूट है तो पावर में यहाँ पे अभी फिलहाल हाफ लिख देता हूँ, और डिवाइड बाई 4 का रूट आएगा, 4 का रूट 2 होता है, वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर लिख देता हूँ, है ना, सॉल्व करके ये ऊपर चला जाएगा, रूट से हटके 4 आएगा नीचे एलसीएम, तो 4 का रूट तो होता है 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 2 एल बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बचेगा बेटा, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू एल, और ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में था बेटा, है ना, तो इस ऑप्शन को टिक करके आना था, तो आपका आंसर सही हो जाता। कई बार ऐसे वो एल के टर्म्स में भी दे सकते हैं, तो आपको अगर दोनों के टर्म्स में याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो साइन थीटा याद रहेगा, आप बाद में साइन थीटा की वैल्यू एल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि आप इसी फाइनाइट चार्ज रॉड को इनफाइनाइट चार्ज रॉड भी ले सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अब ये इनफाइनाइट चार्ज रॉड कैसी हो जाएगी भाई, कि अब इसकी लेंथ जो है बेटा इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर इन्फिनिटी जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकल उपयोग कहाँ पे आ जाता है। तो बेटा इन्फिनिटी रॉड तो आपको नहीं मिलेगी, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो इन्फिनिटी वाला शब्द है ना, ये रिलेटिव टर्म होता है, जो आप इन्फिनिटी का वर्ड यूज करते हो ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म, इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। तो प्रैक्टिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपको, अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लीजिए कि आप 2 मीटर की दूरी से देख रहे हो किसी रॉड को, 2 मीटर की दूरी से ये रॉड देख रहे हो, और ये रॉड जो है ये 1 मीटर लेंथ का है, और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा कहां से, 2 मीटर की दूरी से, तो फिर ये रॉड आपके लिए फाइनाइट है, फाइनाइट, फाइनाइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप बहुत छोटे हो जाओ बहुत, या फिर एक मान लो कि चींटी, चींटी के जैसे होगा, चींटी के जैसे, तो सोचो वो जब इस 1 मीटर रॉड को देखेगा, और चींटी बहुत पास है, बहुत पास है, मान लो अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से, और ये पॉइंट और रॉड के बीच में जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो मान लो कितना है बेटा, 1 mm, 1 mm, ये जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है मान लो ये 1 mm है, 1 mm, तो रॉड की लेंथ इस 1 mm से 1000 टाइम्स ज्यादा है, 1000 टाइम, भाई 1 मीटर में 1000 mm होते हैं ना बेटा, 1000 टाइम्स ज्यादा। उस केस में यहां से ऑब्जर्व करने पे ना तो आपको ये ऊपर वाला एंड दिखाई देगा, ना तो ये नीचे वाला एंड दिखाई देगा, तो उस समय पे ये जो रॉड होगी ये आपके लिए इन्फिनिटी के तरीके से काम करेगी। मतलब इन्फिनिटी और फाइनाइट जो शब्द है ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है जब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो है वो रॉड की लेंथ से बहुत कम हो जाएगी, जैसे 1 mm और रॉड की लेंथ 1 मीटर, या आप सोचो कि आपके सामने रॉड रख दी जाए भाई, जैसे रेलवे ट्रैक है, तो एक शहर से दूसरे शहर तक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, मान लो कि यहाँ से सागर से आप भोपाल, मान लो सागर से भोपाल, तो अगर सागर से आप भोपाल जा रहे हैं तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो है वो 200 किलोमीटर लेंथ का, तो ये 200 किलोमीटर लेंथ का जो रेलवे ट्रैक है, आप अगर सागर में खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको इसका एंड थोड़ा ना दिखाई देगा, या बीच में कहीं खड़े होकर देख रहे हैं
तो ना तो आपको भोपाल वाला एंड दिखाई देगा, ना तो आपको सागर वाला एंड दिखाई देगा। तो उस समय पे आपके लिए ये जो रॉड है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 200 किलोमीटर के सामने आप जिस दूरी से देख रहे हो, मान लो आप 5 मीटर की दूरी से देख रहे हो, तो 5 मीटर 200 किलोमीटर के सामने बहुत छोटा है। तो अगर आप उसको स्पेस से देखोगे, स्पेस से ऊपर, तो आपको रेलवे ट्रैक फाइनाइट लेंथ का दिखाई देगा, और यही जो आपका फाइनाइट लेंथ का रॉड है ये आपको इन्फिनाइट नजर आएगा अगर आप उसको 5 मीटर से देखोगे। तो कुल मिला के रिलेटिव टर्म होता है ना, जहां पे ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाती है, तो वही फाइनाइट चीज जो है इनफिनाइट की तरह एक्ट करती है, क्योंकि उसके हमें एंड्स दिखाई नहीं देते। और अगर आप कंपेरेबल डिस्टेंस से देख रहे हो तो वो फिर आपके लिए फाइनाइट ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो इनफिनाइट रॉड का कॉन्सेप्ट, ये इनफिनाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आप वहां लगा सकते हो जहां पे ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो, बहुत कम हो, है ना। तो प्रैक्टिकली इनफिनाइट चीजें ऐसे काम करती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है जहां पे हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होगा पॉइंट पी से जो है वो अगर आर है, और लैम्डा कूलम पर मीटर जो है वो चार्ज। अब आपको पता है कि इसके अपर एंड को जोड़ना है तो हमें थीटा 1 थीटा 2 चाहिए। अब आपको पता है पी पॉइंट से अगर अपर एंड को जोड़ना है तो अपर एंड तो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जाके ज्वाइन होंगे ये। अब इन्फिनिटी पे ज्वाइन करना है तो हमें कैसी लाइन्स चाहिए कि वो ज्वाइन हो जाए, तो आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस जो है वो जाके इन्फिनिटी पे मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो हमें इस रॉड के लेंथ के पैरेलल खींचना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन खींचूं तो वो इन्फिनिटी पे जाएगा। अब क्योंकि ये आर इस रॉड से परपेंडिकुलर है, तो उसके पैरेलल हमने लाइन खींची है, तो उससे भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री होगा। फिर अगर हम नीचे एंड भी देखें तो वो भी इन्फिनिटी पे है, तो उसके लिए भी हमें पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थीटा 2 भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही 90। अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर है तो आपको पता है कि ई पैरेलल 0 हो जाता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, के लैम्डा बाई आर, ब्रैकेट में sin 90 + sin 90। थीटा 1 थीटा 2 बराबर है ना, तो पैरेलल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेलल 0 हो जाएगा, तो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्डा बाई आर sin 90 + sin 90। sin 90 1 होता है, तो 1 + 1 बेटा 2 हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा 2 K λ/R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो रात में कोई आपसे 3 बजे भी पूछ ले तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे 2 K λ/R में कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, यहाँ पे K की वैल्यू 1/4 πε0 डालो तो 2 और 4 कैंसिल होके 2 बचेगा, तो इसको λ/2 πε0 × R भी लिखा जाता है, बोर्ड्स में, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि के को आप 1/4 πε0 लिख सकते हो ना, और 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, तो λ/2 πε0 × R। अच्छा बच्चों, इसमें एक ध्यान देंगे कि इसमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि आपको इनफिनाइट रॉड का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। हालांकि मैंने तो इसको पहले फाइनाइट के लिए इंटीग्रेशन से निकाल के बताया आपको, और फिर उसको एक्सप्लेन भी कर दिया ना। अब देखना, मेरे को क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है कि कौन सा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो इनफिनाइट जो रॉड है उसके लिए आपको इंटीग्रेशन मेथड से क्या निकालना होता है, वहां पे आपको बच्चों निकालना होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हालांकि इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे एक और लॉ से, गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ से तो बहुत आसानी से डिराइव हो जाता है, वहां पे हम सीखेंगे गॉस लॉ जब पढ़ेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से करना है। तो जैसे हमने फाइनाइट रॉड का इंटीग्रेशन किया था ना बेटा, ई परपेंडिकुलर का अलग, ई पैरेलल का अलग, याद होगा आपको। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो ना, तो वहां पे लिमिट रखा था आपने -θ2 से θ1, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, -θ2 की जगह -π/2 आ जाएगा, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम होगा, और यहाँ पे भी -π/2 से π/2 आ जाएगा। आप डेरिवेशन करके देखना, ई पैरेलल अपने आप 0 आ जाता है और ई परपेंडिकुलर यही आएगा 2 K λ/R। आप सॉल्व करके देखना, आपको मिल जाएगा यही आंसर। तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं अलग से, आपको जो मैंने फाइनाइट रॉड का कराया ना, बस इनफाइनाइट रॉड में लिमिट चेंज हो जाएगी, -π/2 से π/2। आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो उसके लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आप क्वेश्चन घर पे खुद से होमवर्क के रूप में कर लेना है ना बच्चे।
होमवर्क के रूप में आप कर लेना इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी और ये वाला केस भी आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखो बच्चों, अब केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सेमी इनफिनाइट रॉड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट, सेमी इनफिनाइट रॉड। अब इसमें हमें एक एंड का तो पता रहेगा बेटा, बट दूसरे एंड का पता नहीं रहेगा। तो मान लो आपकी रॉड ऐसी है और ये इन्फिनिटी तक गई है, तो एक एंड हमें पता है और दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है, और इसी एंड के परपेंडिकुलर पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये वो पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो आई होप क्लियर होगा ये। और ये दूरी जो है वो आर है। तो फिर से ई परपेंडिकुलर लैम्डा कूलम पर मीटर दिया है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा वन थीटा टू लिखेंगे, तो एक एंड जो निकालना है वो तो नीचे की तरफ है बेटा, इन्फिनिटी पे है, तो उससे अगर आपको मिलाना है तो इन्फिनिटी पे लाइन ले जानी पड़ेगी, तो पैरेलल खींचनी पड़ेगी। पैरेलल खींचोगे तो ये एंगल थीटा वन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा जो है इसी एंड पे जोड़ना है। तो सोचो इसी एंड पे जोड़ना है टॉप एंड पे, तो इस आर के ऊपर ही लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब परपेंडिकुलर और आर जो है, परपेंडिकुलर आर और ये लाइन जो टॉप एंड को जोड़ने वाली है, ये क्या कर जाएंगी बेटा, कॉन्साइड। और अगर कॉन्साइड कर जाएंगी तो एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा टू 0 डिग्री हो गया, छोटे एंगल को हम थीटा टू मानते हैं, मैंने बताया था, और बड़े एंगल को हम थीटा वन मानते हैं, तो 90 हो गया। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर निकालना है, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन, तो साइन बेटा 90 माइनस साइन थीटा टू, तो साइन 0। तो साइन 0 0 होता है आपको पता है, और साइन 91 होता है, तो 1 बचेगा, तो ये के लैम्डा बाई आर। तो देखो ई परपेंडिकुलर जो है वो 1 के लैम्डा बाई आर, और एक्स्ट्रा पोर्शन नीचे है पॉजिटिव है, तो अवे इससे पैरेलल कंपोनेंट होगा, और ई पैरेलल भी आप लिख सकते हो के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू, है ना बेटा। तो कॉस थीटा टू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस कॉस थीटा वन, दैट इज 90। तो कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये भी के लैम्डा बाई आर बचेगा। मतलब आपके दोनों जो कंपोनेंट है, आप बोल सकते हो अगर ऐसे इनफिनाइट रॉड है तो यहाँ से आर दूरी पर जो दोनों कंपोनेंट होते हैं, ई परपेंडिकुलर वो भी के लैम्डा बाई आर है, और ई पैरेलल जो है वो भी के लैम्डा बाई आर। तो इस तरीके से, तो अगर आप नेट निकालना चाहो बेटा, तो नेट कितना हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर सम। तो सेमी फाइनाइट रॉड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो √2 टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर या ई पैरेलल लिख सकते हो, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अगर 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट √2e होगा, √2e। तो √2 के लैम्डा बाई आर, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड, सेमी इनफिनाइट चार्ज रॉड, है ना। तो आई होप आपको इस वाले केस में भी कोई परेशानी नहीं है, ये भी अच्छे से समझ में आया हो। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि हम थोड़े से क्वेश्चंस भी परफॉर्म करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, चार रॉड जो है इक्वल लेंथ की, वो स्क्वायर के शेप में जोड़ी गई है। देखिए बच्चों, चार रॉड जो है वो स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप में चार या फोर जो है आप चार्ज रॉड जो है वो जोड़ दो, और स्क्वायर की जो साइड है यानी लेंथ ऑफ ईच रॉड जो है वो ए है, ऐसा बोल दिया गया आपसे। अब ये बोला गया है कि जो ऊपर वाली रॉड है वो माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज है, जो लेफ्ट वाली रॉड है वो लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज है, बॉटम वाली रॉड भी जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज है, और राइट वाली रॉड जो है वो माइनस लैम्डा पर कूलम से कूलम पर मीटर से चार्ज। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर का एक सेंटर भी होगा, और आपको पता है कि ये सेंटर वहां होगा जहां दोनों डायगोनल्स कट करते हैं। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, फिलहाल मैं इसको ओ मान लेता हूं। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओ पॉइंट पे कितना है ना। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि
जो चारों रॉड में मैग्नीट्यूड है चार्ज डेंसिटी का वो सेम है, और अगर आप ध्यान से देखें तो चारों रॉड से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जैसे मैं लेफ्ट वाली रॉड से करूं तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और आपको समझ में आ रहा होगा कि रॉड की टोटल लेंथ ए है, तो जो ये परपेंडिकुलर वाली दूरी है ना, तो बेटा ये ए बाई टू होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा है ना, इतना तो हम सिमिट्री से बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर ए बाई टू है। अच्छा, वो एक रॉड के लिए नहीं है, सभी रॉडों के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए बाई टू ही होगा, तो सबके लिए लैम्डा का मैग्नीट्यूड सेम है, सबके लिए जो रॉड की बेटा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी सबके लिए सेम है। अच्छा, ये जो एंगल है टॉप और बॉटम पॉइंट का, देखो ये इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इक्वल लेंथ में डिवाइड हुआ है, और जो ये थीटा है ये 45 डिग्री होगा बेटा, मतलब थीटा वन सभी रॉड के लिए और थीटा टू सिमेट्री से आप बोल सकते हो बराबर है, और डेट इज 45 डिग्री, यानी कि हम सेम एंगल वाला जो स्पेशल केस पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला वो हम यहाँ लगा सकते हैं सबका, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है लैम्डा का, आर भी सेम है और थीटा भी सेम है, इसका मतलब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है, अगर हमने सही डायरेक्शन निकाल ली तो हमारा काम बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम वो करते हैं, बाकी ई वगैरह तो हम लिख ही लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, ये पॉइंट जो आपका ओ है, तो बेटा ये वाली रॉड जो है लेफ्ट वाली, इसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट, तो राइट की तरफ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, अवे अवे अवे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई, ई अभी निकाल लेंगे कितना है उसके लिए टेंशन मत लो। फिर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट देखो तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो बॉटम वाली रॉड है ना बेटा, ये बॉटम वाली रॉड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी ई, है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ होगी, और बेटा कितनी होगी ई, है ना, ये बात भी हमें समझ में आती है, तो ये भी ई होगी। फिर आप सोचो कि लेफ्ट वाले जो रॉड है वो क्योंकि निगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो वो अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट, तो उसके कारण ई टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स, तो ई प्लस ई जो है वो 2E हो जाएगा, तो राइट साइड में 2E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वैसे आप ऊपर वाला देखो, टॉप वाला, टॉप वाला ये भी निगेटिव चार्ज है तो ये भी ऊपर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, तो ये भी 2E हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका भी ई है, क्योंकि सभी रॉड का चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, आर सेम है, थीटा वन थीटा टू सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सबका सेम ही होगा बेटा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 2E 2E। अब देखो आपके पास क्या बचा, इस डायरेक्शन में 2E इलेक्ट्रिक फील्ड बची, इस डायरेक्शन में भी 2E इलेक्ट्रिक फील्ड बची। अब इनका रिजल्टेंट, वो पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट चाहिए ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना बचेगा बेटा, जब दो इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे ऐड होते हैं तो हमें पता है इसका आंसर होता है √2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, व्हिच इज इक्वल टू 2E, √2 टाइम्स ऑफ 2E, तो ये हो जाएगा बेटा √2E, तो ये हमारा आंसर है। अब E की वैल्यू निकाल दो, E की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखो बेटा ये एंगल 45, ये एंगल 45 है ना, तो हमारा जो E है उसका क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा, के लैम्डा, 2K लैम्डा बाई R इंटू साइन थीटा, याद करो यही तो फॉर्मूला था, तो 2K लैम्डा बाई R साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा बेटा साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2, तो 2K लैम्डा बाई √2R। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो √2E, ई की वैल्यू है 2K लैम्डा बाई √2 × R, 1/√2 होता है ना बेटा साइन 45, तो √2 √2 कैंसल, तो ई नॉट का जो फाइनल आंसर वो आएगा 4K लैम्डा बाई R। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, और ये आपका आंसर, आई होप आपको क्लियर हो। अब देखिए बच्चों, इसमें आर की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि ए के टर्म्स में निकलेगा ना आंसर, तो आर की वैल्यू देखो मैंने बताई ए बाई टू है, तो आप आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट करोगे तो मैं इसको ये ई नॉट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ई नॉट जो है अगर आप आर बाई टू यूज करोगे तो ये 4K लैम्डा बाई R की वैल्यू ए बाई टू, तो बेटा ये टू ऊपर चला जाएगा तो 8K लैम्डा बाई A आएगा, तो 8K लैम्डा बाई A इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना, R की वैल्यू ए बाई टू, ए के टर्म्स में आएगा ना आंसर।
तो 8K लैम्डा बाई है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, इस टाइप के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। मान लो आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन दिए कि एक रॉड है, वो इन्फिनिटी से ऐसे आ रही थी, फिर यहाँ पे उसको बेंड कर दिया गया और वापस से वो इन्फिनिटी तक चली गई। अच्छा, ये जो रॉड है ये चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर से, और आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस वाली रॉड से परपेंडिकुलरली ए दूरी पर है, इस वाली रॉड से परपेंडिकुलर भी ए दूरी पर है, और ये पॉइंट है, कोई पॉइंट पी है। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इस अरेंजमेंट के कारण आपको बताना है ना। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कभी भी ऐसे सवाल आए ना, तो आप सेक्शंस में तोड़ लिया करो। अच्छा, ये पूरी रॉड में लैम्डा कूलम पर मीटर है ना, इधर भी लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो इधर भी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो कुल मिला के ऐसे सवालों को आप सॉल्व करते समय इसको सेक्शन में तोड़ लिया करो बच्चे, वो सबसे आसान होता है। तो इसको अगर मैं सेक्शन नंबर 1 मान लूं, तो दूसरे वाले को आप सेक्शन नंबर 2 मान लो, है ना। तो मैंने एक सेमी फाइनाइट रॉड मान ली है सेक्शन 1, और एक दूसरी सेमी फाइनाइट रॉड मान ली है सेक्शन 2, है ना। लेकिन सेमी फाइनाइट इनफाइनाइट रॉड वाला फॉर्मूला मत लगा देना बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी जो है वो एंड पे नहीं है, यहाँ पे है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो आप 1 वाली रॉड का ध्यान दो, तो इसके लोअर एंड से अगर आप जोड़ोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा, और ऊपर वाले को जोड़ोगे तो उसके लिए पैरेलल जाना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी पर। तो ये वाला जो बड़ा एंगल है उसको थीटा 1 मान लेते हैं 90, और जो छोटा एंगल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ए है, ये ए है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ए, ये भी तो ए होगा ना बेटा। तो परपेंडिकुलर बेस बराबर होते हैं, तो एंगल 45 होता है, तो थीटा 2 जो है वो 45। तो हम पहले ए का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की रॉड ये इन्फिनिट तक गई है, ये आपका एंड है, और पॉइंट टी जो है वो इधर है, तो इसके कारण एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ई परपेंडिकुलर लिखा जाएगा बेटा कितना, क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल 45 डिग्री है जो थीटा 2 है, और ये वाला जो है वो 90 डिग्री है जो थीटा 1। तो हम यहाँ पे ई परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1, तो साइन 90 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 45। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा के लैम्डा बाई आर इंटू 1 प्लस 1/√2। फिर नीचे अगर आप देखोगे एक्स्ट्रा पार्ट के नीचे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई पैरेलल है, तो ई पैरेलल भी निकालना पड़ेगा, तो के लैम्डा बाई आर cos θ2, मतलब cos 45 माइनस cos θ1 90। cos 90 तो 0 होता है, तो cos 45 1/√2 होगा, तो मतलब ये के लैम्डा बाई √2 × r। तो देखो आपने 1 के कारण निकाल लिया, सेक्शन 1 का निकाल लिया। अब हम सेक्शन 2 का निकालेंगे बेटा, सेक्शन 2 का निकालेंगे। तो देखो सेक्शन 2 ऐसे है, ये इन्फिनिट तक गया है, ये पॉइंट जो है वो आपका पी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आप देखो तो ये ए है, ये दूरी भी ए है, तो ये एंगल 45 होगा, जिसको अपन θ2 बोल देंगे, और दूसरा एंगल 90 पे जा रहा है ना, तो θ1 जो है वो आपका 90 हो जाएगा। देखो अभी भी इसका लैम्डा कूलम पर मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, θ1 θ2 बराबर है, मतलब इसमें भी ई परपेंडिकुलर पैरेलल का यही मैग्नीट्यूड आएगा, बस डायरेक्शन ध्यान दें, ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ऊपर होगा। सॉल्व करने पे यही आएगा जो पहले आया था, इसलिए मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा। तो उसको हम लिखेंगे के लैम्डा बाई आर 1 प्लस 1/√2, और ई पैरेलल जो है एक्स्ट्रा पार्ट राइट में है, तो इसका ई पैरेलल लेफ्ट में आएगा, अवे फ्रॉम एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और ये भी उतना ही आएगा जितना पहले आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ √2r, के लैम्डा बाई √2r। अब देखो दोनों को मर्ज कर दो और नेट निकाल लो बेटा, दोनों को मर्ज करके नेट निकाल लेते हैं। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, पी वाला। अब इस पी पॉइंट पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो 1 के कारण देखो ई परपेंडिकुलर ऐसे है, मतलब 1 के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के लैम्डा बाई आर 1 प्लस 1/√2 है ना, ये हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट की तरफ, वो सेकंड के कारण, तो वो कितना है के लैम्डा बाई √2r। फिर उसके बाद बेटा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है के लैम्डा बाई आर 1 प्लस 1/√2 सेकंड रॉड के कारण, सेकंड वाले सेक्शन के कारण।
और फर्स्ट वाले सेक्शन के कारण नीचे की तरफ है, कितना के लैम्डा बाई रूट हुआ। तो यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और नेट वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे बेटा आर की जगह एक काम करते हैं, आर की वैल्यू ए है ना, तो यहाँ पे सब जगह पे ए लिख लेंगे, ए है ना, मैंने आर लिख दिया था बट आप यहाँ पे ए लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए दिया है, तो ये सब ए हो जाएगा, ए ए ए, और ये भी ए, यहाँ पे भी आप ए लिख सकते हैं क्योंकि ए ए दूरी मानी थी ना अपन। अब देखो बेटा नेट जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बचेगी, इन दोनों को माइनस करो तो रूट टू वाला 1/√2, 1/√2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा के लैम्डा बाई ए। वैसे ऊपर वाला में रूट टू वाला 1/√2 और ये रूट टू वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो ऊपर बचेगा केवल के लैम्डा बाई ए। तो ऑब्वियसली बात है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो कितना बचेगा √2 × k λ/a, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में के लैम्डा बाई ए है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो √2 होता है जब 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर सेट कर। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो जो फाइनल आंसर है वो है आपका √2 k λ/a न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों।